बिहार के एक विधायक हैं, नाम है गोपाल मंडल। हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने बयान से तो कभी अपने अजीबोगरीब अंदाज से। पिछले दिनों उनको एक अस्पताल में देखा गया, लेकिन उनके हाथ में पिस्तौल था। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। जब विधायक जी पटना पहुंचे तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। पत्रकार ने सवाल किया कि आप एक विधायक हैं, आप हथियार लेकर अस्पताल पहुँच जाते हैं, क्या यह शोभनीय है? गोपाल मंडल अपना आपा खो बैठे। विधायक जी पत्रकारों से ही भिड़ गए, बोलने लगे, तुम मेरे बाप हो क्या, लहराएंगे। हथियार लेकर अस्पताल पहुंचने पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया। विपक्ष तो विपक्ष, उनकी पार्टी के विधायक और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भी कहा कि यह गलत है। हंगामा बढ़ा और भागलपुर प्रशासन पर भी दबाव बना और उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा। एसपी की जांच रिपोर्ट के बाद डीएम ने गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। विधायक द्वारा नोटिस का जवाब देने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। सबसे पहले सुनिए भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को। वो जो माननीय विधायक श्री गोपाल मंडल के बारे में एक वीडियो जो वायरल हो रहा था, उसकी जांच एसडीपीओ सिटी श्री अजय कुमार चौधरी के द्वारा कराई गई और उसमें ये पाया गया कि जो हथियार वो उनके हाथ में था वो सरकारी हथियार है, उसका उनको शस्त्र लाइसेंस निर्गत है और इसमें जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं जिला पदाधिकारी होते हैं, तो उस रिपोर्ट को अग्रतर कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी भागलपुर को अग्रसारित किया गया है और अब जो भी कार्रवाई होगी उनके स्तर से होगी। आपने सुना, भागलपुर पुलिस प्रशासन को हाथ में बंदूक लेकर अस्पताल पहुंच जाना, फिर सवाल पूछे जाने पर पत्रकारों को गाली देना, ये कोई पहला या दूसरा मामला नहीं है। इससे पहले भी गोपाल मंडल ने अपने कारनामों से सुर्खियां बटोरी है और विवादों में रहे हैं। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने कहा था कि नाथनगर की सीट नीतीश कुमार की गलती की वजह से पार्टी हार गई। साथ ही कहा कि विधायक सांसद होने के लिए दबंग होना जरूरी है। शराबबंदी पर एक बार बोलते हुए गोपाल मंडल ने कह दिया था कि मुख्यमंत्री का कान बंद है, इसीलिए मुख्यमंत्री का कान खोलना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन को लेकर भी गोपाल मंडल विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बिहार में ऐसा कोई पुलिस या पुलिस अधिकारी नहीं है जो शराब नहीं पीता, शराब पीकर काम करता है। पुलिस ऑफिसर नशे में चूर रहते हैं, थानेदार से लेकर कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी का सही से निर्वहन नहीं करते। एक बार जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक खास समुदाय पर बयान देते हुए मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी थी। उन्होंने कहा था कि उन लोगों की हिम्मत है, ठोक देंगे, मुझे क्या बंधक बनाएंगे, लाठी उठाएंगे, सबको झाड़ देंगे, मेरे पास रिवॉल्वर है, ठोक देंगे, किसी से डरते नहीं हैं। गोपाल मंडल को बंधक बनाएगा, जिस दिन बंधक बन गया तो मर गया। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार में नीतीश सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर पैसा वसूलने का आरोप लगा सुर्खियां बटोर ली थी। हालांकि बाद में वो पलट गए और कह दिया, तारकिशोर बाबू आई लव यू। एक बार ट्रेन में उनकी एक तस्वीर वायरल हो गई थी जिसमें वो अर्धनग्न अवस्था में थे। इसके अलावा उनका एक बार डांस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। तो विधायक गोपाल मंडल के कारनामे अजब गजब हैं और इसी वजह से हमेशा विधायक जी सुर्खियों में रहते हैं। आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं, जवाब कमेंट करके जरूर बताएं, आप गोपाल मंडल के पक्ष में हैं या फिर उनके विरोध में? दर्श न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।